हे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लाइफपेट्स के एक और नए एपिसोड पे। और मेरा नाम है रणबीर। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट कॉमन पेट बर्ड्स के बारे में, जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली पाले जाते हैं। ये वो बर्ड्स है जो कि आप भी ला सकते हैं अपने बिगिनर के दौर पे। एज बिगिनर भी आप उन 5 बर्ड्स को इजीली पाल सकते हैं। ये वो बर्ड्स है जो कि इंडिया के टेम्परेचर में इजीली एडोप्टेबल हो गए हैं। इंडिया में उनका खाना और उन बर्ड्स का मिलना बहुत ही आसान है। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं नंबर 5 से। सो गाइज, हमारे नंबर 5 में जो बर्ड है वो है कॉकटेल। कॉकटेल की कलर की बात करें तो हम वो व्हाइट और ग्रे दो कलर में अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा भी और कहीं कलर शेड उनके बॉडी में आते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन कलर है। इनकी सर के ऊपर हल्का सा कुछ पंख खड़े होते हैं मयूर की तरह। और ये जो है दो टाइप की कॉकटेल्स होते हैं, एक पैचलेक और एक नॉर्मल वाला। इनकी साइज की अगर हम बात करें तो ये मीडियम साइज से थोड़ा छोटा वाला साइज है, जो कि नियर अबाउट 7 to 1500 के बीच पर पीस में आपको मिल जाएगा कहीं भी। इनकी फूड की अगर हम बात करें तो ये थोड़े बड़े दाने खाते हैं, लाइक सनफ्लावर सीड्स, और मिक्स फूड जो है इनके लिए बहुत प्रेफरेबल होती है। ये मिलेट मतलब कंगनी दाना और मिक्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स, जो कि इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी वो इजीली खाते हैं। अभी नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 में है हमारी लव बर्ड्स। लव बर्ड्स नाम से ही पता चलता है कि ये लोग प्यार में रहते हैं, और इसका नाम हर कोई ने तो जरूर सुना होगा। लव बर्ड्स हमेशा प्यार में रहते हैं। कॉकटेल भी प्यार में रहते हैं और झुंड में भी, मतलब कॉलोनी में भी रह सकते हैं। लव बर्ड्स भी कॉलोनी में रह सकते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं रह सकते। ज्यादातर लव बर्ड्स प्यार में रहते हैं। तो लव बर्ड्स छोटे बर्ड से थोड़ा बड़ा साइज होते हैं, और ये जो है बाकी बर्ड से थोड़ा बहुत हैवी होते हैं। इनका जो होट है वो थोड़ा मोटा होता है, और वो बहुत कलर में अवेलेबल होते हैं, इन्फिनिटी कलर, बहुत कलर कॉम्बिनेशन। और इनका हेड साइज थोड़ा ग्रेइश होता है, और वो उनपे बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन और बहुत कलर डेफिनेशन होते हैं उनकी बॉडी में। इनकी फूड की बात करें तो ये भी मिलेट जो है कंगनी दाना, वो उनकी मेन फूड है। इसके अलावा वो सनफ्लावर सीड्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो इजीली खा सकते हैं। इनकी एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो वो एक्सट्रीम एडेप्टेबल नहीं होती। ज्यादा ठंड ज्यादा गर्मी ये सहन नहीं कर सकते। एवरेज ठंड एवरेज गर्मी हर बर्ड सहन कर सकता है इस लिस्ट में। तो गाइस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर 3 है बजरीगर। बजरीगर जो है बजीज पैरोट, हर कोई नाम सुना होगा। इस बर्ड के ऊपर मेरा एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। उसमें उसका इन्फॉर्मेशन, उसकी केयर, उसकी डाइट, उसकी डिजीजेस और उसकी ट्रीटमेंट जो है, मेडिसिन वगैरह भी सब कुछ मैंने उस वीडियो में बोला हुआ है। मैं लिंक नीचे दे दूंगा और आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं और बोल दूं कि बजरीगर भी बहुत कलर में अवेलेबल होती है। इनका मेन फूड जो है मिलेट है, कंगनी दाना, और ये छोटे टाइप के पैरोट्स होते हैं। तो गाइस नंबर 3 की हम 2 की हम बात करें तो नंबर 2 में हमारी जावा। जावा बर्ड जो है एक छोटे टाइप का बर्ड है, बहुत छोटा है। ये मोस्टली मिलेट ही खाती है, कंगनी दाना ही खाती है, बड़े सीड जो है खा नहीं पाते। इनकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये 2-3 कलर में अवेलेबल होती है। ज्यादा से ज्यादा एक कॉमन ब्राउनिश कलर और एक डीप व्हाइटिश कलर। इनका नाक का कलर जो है ये वेरीफाई करता है कि ये मेल है या फीमेल है, विथ डीप रेड और लाइटिश ऑरेंज। और अगर हम इसकी एडेप्टेबिलिटी की बात करें, ये भी एक्सट्रीम कोई भी वेदर सहन नहीं कर पाते। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे हमारी फिंच। फिंच भी छोटे टाइप की बर्ड होती है। इनका भी मेन फूड मिलेट होती है, जो कि वो उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हैं, लेकिन बड़े दाना वो भी नहीं खा सकते। फ्रूट वेजिटेबल्स जो है हर बर्ड्स के लिए, जो भी 5 मतलब हर कोई बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेबल होता है कि आप उनको कैरोट दीजिए, गाजर दीजिए, और आप उनको साग दीजिए। वो वेजिटेबल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मिक्स फ्रूट्स आप उनको हर रोज दीजिए। उसके साथ साथ आप उसको ड्राई फ्रूट्स और भिगे हुए चने भी आप दे सकते हैं। सो गाइज, ये थी टॉप 5 मोस्ट कॉमन और कॉमन पेट्स बर्ड्स जो कि इंडिया में रखे जाते हैं। आप भी ला सकते हैं अपने घर पे रखने के लिए। सो गाइज, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको पेट्स के रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड योर पेट। थैंक यू।